हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डर्स में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ क्वांटिटी और कॉस्ट के कैलकुलेशन के बारे में कि अगर मान लीजिए आपका घर है जिसमें ब्रिक वर्क हो रहा है और उसमें अगर आपको करना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका हिसाब लगा सकते हैं कि कितने का होगा। ये वीडियो इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर मान लीजिए आप खुद समझदार हैं या फिर समझ सकते हैं तो फिर आप लोगों के लिए भी ये काम का रहेगा। आज हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जो स्पेशल इंजीनियर है। और ये तो अभी छोटा क्वेश्चन है, इससे हम बहुत अच्छे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है, एंड प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इन ए वॉल। वॉल देखिए कितना है, 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर थिक। मैं 20 सेंटीमीटर थिक को आपको पहले ही बता देता हूं कि आएगा 0.02 मीटर, क्योंकि यहां पर भी मीटर में है, आपको 6 मीटर लॉन्ग है, यहां पर 3 मीटर हाई है, तो यहां पर 20 सेंटीमीटर थिक दिया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना। हमारी सभी यूनिट सेम हो गई। अब हमारे पास क्या दिया है, कैलकुलेट द कॉस्ट, ये हमें कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले ब्रिक वर्क इज रेट दिया है हमारे पास कि 2700 रुपये पर क्यूबिक मीटर है, एक क्यूबिक मीटर का रेट है 2700 रुपये, और जो प्लास्टरिंग है इसका रेट है 3200 रुपये पर स्क्वायर मीटर। देखिए अगर प्लास्टर होता है तो इसका जो रेट है आपको स्क्वायर मीटर में लेना है होता है, और ब्रिक वर्क का क्यूबिक मीटर में, ये आपको ऑलरेडी पता होता है। अब देखिए ये रेट जो है आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये रेट आपको मार्केट से मिलेगा। आप अगर मार्केट में हैं तो आपको मार्केट से ये रेट पता चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें निकालना ब्रिक्स की क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले L इंटू बी इंटू एच में हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। अब क्यूबिक मीटर में रहती है तो तीन जिसके फेस तो रहेंगे ही, तो इसमें लेंथ विड्थ और हाइट। अब देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास, 6 मीटर लॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पर विड्थ कितनी थी हमारी, यानी कि थिकनेस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मैंने पहले ही आपको बताया, और इसमें हाई कितना है यानी एच कितना है, 3 है, ये एच 3 हो गया। तो हमारे पास अब देख लेते हैं हम इसका कि कैलकुलेशन कितना आता है। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो कैलकुलेशन है 6 × 0.2 × 3 हमारा आता है 3.6 मीटर क्यूबिक, ठीक है, 3.6 मीटर क्यूबिक आ जाता है हमारा। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग। ये देखो प्लास्टर जो हो रहा है हमारा तो दो फेस में होगा, यानी कि टू फेस में होगा। अब यहां पर क्या चीज है, टू फेस में होगा यानी इंटू टू। अब प्लास्टर में थिकनेस तो रहेगी नहीं, इसके कारण एल इंटू एच, अब टू है ऑलरेडी, ये आ गया हमारा टू। इसके बाद जो है हमारी लेंथ 6 है, यहां पर आपको पता चल गया, इंटू एच जो है वो 3 है, आपको ये ऑलरेडी पता है। अब इसका अगर करते हैं हम तो ये हमारा 36 मीटर का स्क्वायर आ जाता है। ये यूनिट पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्वांटिटी निकल गई फर्स्ट, सेकंड स्टेप में हमारी क्वांटिटी निकल गई, यानी कि यहाँ पर ब्रिक्स की क्वांटिटी और यहाँ पर प्लास्टर की क्वांटिटी दोनों फेस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क कॉस्ट, सबसे पहले क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट यानी कि क्वांटिटी हमारी कितनी थी, हम ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं, 3.6 मीटर है हमारी, ठीक है। अब 3.6 मीटर की हमारी यहां पर आ जाती है क्वांटिटी, और रेट जो है हमारे पास 2700 रुपये दिया हुआ है, तो इस हिसाब से 2700 रुपये हमारे पास ऑलरेडी रेट दिया हुआ है। हम अगर इसको जैसे कैलकुलेट करते हैं
2700 इंटू 3.6 9720 रुपए हो जाता है हमारे पास। अब बात आती है प्लास्टरिंग की, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग सेम, इसमें भी क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी हमारी कितनी थी, मैं डायरेक्ट यहां पर रख देता हूं, हमारी 36 थी क्वांटिटी, 36 इंटू रेट कितना था हमारे पास 32। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास 36, 36 इंटू 32 यानी 32 1152 रुपये, 52 रुपये। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक और दो, हमारे पास क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी हमने रेट से मल्टीप्लाई किए, हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, रेट भी आ गया कि कितना रुपए लगेगा। अब हमें दोनों चीज का पता करना है, तो दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। टोटल मैं डायरेक्ट रखता हूँ, हमारा ये है 9720 और यहाँ पर हमारा है 1152 2 7 8 10 यानी 10872 रुपये। आपको 10872 रुपये लगेंगे अगर आपका 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई और 20 सेंटीमीटर थिक का अगर क्वांटिटी निकालना है आपको ब्रिक वर्क और प्लास्टर का, और रेट ये होता है, रेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आई होप आपको रेट सही मिल जाएगा। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है तो। अदरवाइज़ जैसे मैं अभी चल रहा हूँ वैसे ही चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।